नहीं, महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान का फैक्टर नहीं चलेगा। नमस्कार आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, नाम है फिरोज। फिरोज साहब महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त सियासत तेज हो चुकी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही तमाम पार्टी अपने हिसाब से कुछ अनाउंसमेंट कर रही है। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दू तो कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि जो एनसीपी है अजीत पवार वाली, उन्होंने कहा था कि हम 10% अल्पसंख्यकों को टिकट देंगे। अभी आपने 2 दिन पहले खबर और सुनी होगी कि जो वहां के फिलहाल मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने मस्जिदों के इमाम की तनख्वाह बढ़ाने की बात कही है। और दूसरी तरफ ये है कि जिस पार्टी के साथ उनका अलायंस है, गठबंधन है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, और ये जो पूरा कुनबा है एनडीए का, आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में तमाम विधानसभा जहां पर भी चुनाव हुए हैं वहां पर बीजेपी ने बहुत कम, कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो शायद ही किसी जगह विधानसभा का भी कोई टिकट मुसलमानों को दिया है। तो ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में ये गठबंधन किस तरह से काम करेगा और सामने जो इंडिया गठबंधन है उससे कैसे मुकाबला करेगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। एक हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं, दूसरे फिरोज भाई हैं। फिरोज भाई क्या कहेंगे फिलहाल महाराष्ट्र की पूरी राजनीति को लेकर? महाराष्ट्र की राजनीति हरियाणा के रिजल्ट के बाद और सीरियस मोड में चली गई, क्योंकि अभी तक लग रहा था कि खास करके लोकसभा चुनाव के बाद जहाँ 48 सीट में से 31 सीट्स कांग्रेस, महा विकास आघाड़ी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और अजीत शरद पवार एनसीपी लेके गए थे, मगर बात ऐसी है कि लोकसभा के इलेक्शन के दौरान भी वोट परसेंटेज में सिर्फ 1% का फासला था। ये भी आप समझ लीजिए कि सिर्फ 1% का फासला था, तो ये करीबी लड़ाई ही होने वाली थी महाराष्ट्र में। मगर महा विकास आघाड़ी के लिए एक माहौल जरूर था, अभी भी है, हरियाणा के बाद थोड़ा सदमा जरूर हुआ है, मगर हरियाणा के चुनाव में मैं मानता हूँ कि 2 फैक्टर है कि ये जो पूरा वोट जो सीटें जिस प्रकार से बांटी गई कांग्रेस में, और टेकन फॉर ग्रांटेड था कि हम इलेक्शन जीतने वाले, हुडा सीएम बन चुके हैं, कैबिनेट के पोस्ट ही बटना भी बाकी था, तो जो रिबेल कैंडिडेट जो बड़ी संख्या में वोट लेके गए और उसके साथ जो भी ईवीएम और ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स होते ही है ये सब इलेक्शन में, ये इसका हरियाणा का नतीजा था। मगर मेन था कि कांग्रेस का टोटल मिसकैलकुलेशन था, ये जीती हुई बाजी वो लोग हार गए। जहां तक ये सवाल जो आपने खड़े किए कि लोकसभा के चुनाव के बाद ये जब समझ में आया बीजेपी को कि हिंदू मुस्लिम वोट को पोलराइज नहीं हो कर पाए, अयोध्या जैसी सीट लड़ गए, हार गए वो लोग, उसके बाद उन्होंने तय कर लिया था कि मुसलमान को टारगेट करेंगे, ईट करेंगे, तो लिंचिंग शुरू हो गई, गाली गलौज चालू हो गया, बड़े पैमाने पे मुसलमानों को टारगेटिंग चालू हो गया। महाराष्ट्र में वो लोग कोशिश कर रहे थे मगर कामयाब नहीं हो पा रहे थे, जैसे विशालगढ़ का मुद्दा या धारावी का कोई मस्जिद का मुद्दा या कहीं ना कहीं वो लोग इस किस्म के सवाल उठा रहे थे, मगर महाराष्ट्र में वो पोलराइजेशन में वो लोग कम पड़ रहे थे। मराठा वर्सेज ओबीसी भी उन्होंने लड़ाई खड़ी कर दी है कि मराठा को जो आरक्षण चाहिए, मगर ओबीसी बोला कि हमारे कोटा में पंगो, आपको जो अलग चाहिए ले लो, जिसका मतलब कि 50% की जो सीमा है वो भी तोड़नी होगी, ये 50% का कुछ ज्यादा मतलब है नहीं बेसिकली। तो अभी जो पोजीशन है कि शायद एनसीपी अजीत पवार के थ्रू से थोड़ा मुस्लिम वोट को उनकी तरफ खींचे, और शिंदे ने भी अभी जो मदरसा में मतलब पेमेंट में सैलरी में बढ़ाया है, तो कुछ सिग्नल जा रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का कार्ड फेल हो चुका है, उसी से नहीं बात चलेगी, तो और कोई तरीके से मुस्लिम वोट को लिया जाए। मगर आई थिंक इतने लेट इन द डे, क्योंकि एक बड़ी चेंज की जरूरत है बीजेपी आरएसएस के पूरे तरीके में, ये मुसलमानों के सवाल को लेकर वो चेंज दिख नहीं रहा है, बोलते कुछ है करते कुछ है वाली बात है। तो आई थिंक अभी महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी और दूसरी जो छोटी पार्टियां है उनमें तालमेल की ज्यादा जरूरत होगी, सीटों के बंटवारे में बहुत सोच समझ कर करना होगा, ये रिबेल फैक्टर को बहुत संभालना होगा, और उसके साथ ये जो प्रकाश अम्बेडकर वाला फैक्टर है जो फेल हो चुका है पहले, एमआईएम वाला जो फैक्टर है वो भी फेल हो चुका था लोकसभा में, मगर विधानसभा में वोट की संख्या बहुत कम मार्जिन से जीती जाती है, लोकसभा में बहुत बड़े पैमाने पे होता है मगर विधानसभा में वो और भी क्लोज फाइट होता है। तो आई थिंक महाराष्ट्र का चुनाव ओपन जरूर है, अभी भी महा विकास आघाड़ी आगे है, शिंदे सरकार ने लाड़की बहन वाला मुद्दा भी कि 1500-1500 रुपये के यू नो औरत के खाते में जाएगा, उसका भी बड़ा कोई प्रभाव
वैसे हुआ नहीं है जितना वो लोग मानकर चल रहे थे, क्योंकि तो महाराष्ट्र में या पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल, इन्फ्लेशन का सवाल इतने बड़े पैमाने पे है कि उससे लोग ये सरकार से काफी उब चुके हैं। तो ये भी देखता है कि महाविकास आघाड़ी इलेक्शन को मैनेज कैसे करती है, और जन आंदोलन का जो रोल है वो अपने वो भी एक बहुत पॉजिटिव रोल है, ये पूरा कंबाइन होकर कैसे आगे बढ़ता है। तो इतना भी मैं कहूंगा, भी हमारे साथी शरद कदम जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है महाराष्ट्र के, वो भी बात रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शरद भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने फिरोज भाई से पूछा था अपडेट, आप क्या कहेंगे, क्या वाकई हिंदू मुसलमानों का फैक्टर महाराष्ट्र में अब काम नहीं करेगा, क्योंकि हरियाणा में नहीं चला, वो अलग बात है बीजेपी जीत गई, लेकिन महाराष्ट्र में अब जो एनडीए गठबंधन के जो साथी हैं वो मुसलमानों के लिए अनाउंसमेंट बहुत कर रहे हैं, तो ऐसे में किस नजर से आप देख रहे हैं चुनाव को? नहीं, महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान का फैक्टर नहीं चलेगा। हाँ, महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम का फैक्टर नहीं चलेगा, और हरियाणा में भी नहीं चला, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में एक अलग स्थिति है। महाराष्ट्र में जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, यहाँ कल जो एक्स मिनिस्टर की हत्या हो गई, खुलेआम हत्या हो गई, उसके पहले बदलापुर में स्कूल के बच्चों के लिए जो कुछ हुआ, या जो महिला अत्याचार की घटनाएं मुंबई महाराष्ट्र में बढ़ती है, शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू मालवण में जो महाराष्ट्र में है, वो उनका कुछ गिर गया, उसमें बहुत भ्रष्टाचार है, ऐसे जो इशू है, इमोशनल इशू है, या हमारे जो अभिमान के स्वाभिमान के इशू है, हमारे शिवाजी महाराज हमारा स्वाभिमान है, ऐसे जो इशू है, इशू के ऊपर लोग बहुत डिस्टर्ब है, और इस इलेक्शन में ये इशू चलने वाले हैं, ऐसे मुझे लगता है। बात दूसरी है कि फिरोज भाई बोल रहे थे कि हरियाणा का इफेक्ट यहाँ नहीं होगा, लेकिन वैसी बात नहीं। अगर इंडिया आघाड़ी की सरकार जो बन रही है, महाविकास आघाड़ी की सरकार है, उन्होंने अगर सबको साथ में लेकर सीट बंटवारा किया तो यहाँ रिजल्ट अलग लग सकते हैं। अगर उन्होंने सीट बंटवारा नहीं किया, हम लोग ने तुषार भाई गांधी, हम लोग ने सब ने एक लेटर लिखा है कि जो 5-10 साल से जो बीजेपी में लोग थे, अपने अपने पार्टी छोड़ के गए थे, अपने अपने पक्ष छोड़ के गए थे, कोई राष्ट्रवादी से गया था, कोई शिवसेना से गया था, या बीजेपी में 5-10 साल से है, अगर उनको टिकट देंगे तो हम लोग तो उनका उस मतदार संघ में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग काम करने वाले नहीं है। लेकिन अभी अगर उन्होंने वापस घर वापसी की और उनको टिकट दिया तो वहाँ इंडिपेंडेंट खड़ा रहेगा, या कोई जो 5-10-7 साल से उस पार्टी का काम कर रहा था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा, तो फिर उसमें से इसकी कटौती हो जाएगी, हो सकती है। अगर उन्होंने कुछ ध्यान दिया और ये सब अपने आपस की जो मतभेद है, आपस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो उन्होंने सही किया तो हरियाणा की पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन महाराष्ट्र के इशू बहुत अलग है, बहुत महंगाई है, लोगों को रोजगार नहीं है, स्कूलें मराठी स्कूलों बंद हो रही है, ऐसे सब चीजें हैं, और उसके ऊपर लोगों, अगर हम ये लोग कैसे फोकस कर रहे हैं, महाविकास आघाड़ी लोगों के पास कैसे जाए, कौन से इशू लेके जा रहे हैं। लोकसभा में तो संविधान का इशू चला, लेकिन ये इस टाइम संविधान नहीं चलेगा, ये लोकल इशू लेके जाना पड़ेगा, तो ये अगर ये कैसे लेके जाएंगे उसके ऊपर भी निर्भर है। लेकिन आज की तारीख में महायुति जो बीजेपी शिवसेना जो युति है, उनको थोड़ा टफ है, ऐसा महाराष्ट्र का माहौल है। एक सवाल मेरा है फिरोज भाई आपसे, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे बड़े जो महाराष्ट्र को मिले थे लेकिन वो ट्रांसफर हो गए गुजरात, बहुत सारे, तो उस बारे में आम जनता क्या सोचती है? आप तो ग्राउंड पर रहते हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, तो क्या उस बात को लेकर भी नाराजगी है कि यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट था वो सारा उधर चला गया? नहीं, बात सही है, वो जनता के दल भी है और राजनीतिक दल, खास करके शिवसेना उद्धव ठाकरे जी वो उठा थे, और ऐसा कोई एंटी गुजराती सेंटिमेंट नहीं है, मगर वो रियलिटी है कि मोदी और अमित शाह बहुत सारे जो महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्री आ रही थी उनको डाइवर्ट करके वो लगातार गुजरात लेके जा रहे हैं। ये बहुत गुस्सा है महाराष्ट्र में, और मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सवाल है जो महाराष्ट्र के राजनीतिक दल उठा रहे, मगर और बड़े पैमाने पे उनको ये इलेक्शन में खास करके उठाना होगा। इट इज द बिग इशू, यस। और शरद भाई ने जो बदलापुर की बात की, आपको पता ही होगा कि बदलापुर एक स्कूल है बम्बे के शहर है बम्बे के पास, और वहाँ जो एक स्कूल में जो घटना घटी का वहाँ का कोई प्यून या क्लार्क वो छोटी बच्चों के साथ घिनौनी हरकतें कर रहा था, तो वो एक बीजेपी आरएसएस की स्कूल है, तो 10 दिन तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, बाद में जनता सड़क पर आ गई, रेलवे स्टेशन को 10-12 घंटा उन्होंने बंद कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है, उसमें कोई
आंदोलनकारी हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट शामिल भी नहीं थे, खुद बदलापुर की जनता ने वो रेलवे स्टेशन ही बंद कर दिया। और जब फिर वो मामला गर्म होते गया, उसको पकड़ा बाद में पुलिस ने और फाइनली उसको एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर का मतलब ये भी है कि क्या और भी कुछ चीजें थी उस स्कूल में जो और भी लोग कुछ शामिल थे क्या, ये पूरे पूरे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का मैटर है छोटी बच्चियों के साथ इस किस्म की हरकतें करना, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जो नौकरी में था उसका बैकग्राउंड ही था, पुलिस रिकॉर्ड में उसका बैकग्राउंड था, उसकी बीवी ने भी कंप्लेन उसके खिलाफ किया था कि ये घिनौनी हरकतें करता है। तो ये जो एनकाउंटर किलिंग हुआ वो भी कवर अप था। ओके, और उसके साथ ये जो शिवाजी महाराज का जो पुता जो गिरा वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। महाराष्ट्र का अस्मिता शिवाजी महाराज को पूरे देश के, तो वो भी भारत महाराष्ट्र का अस्मिता का बहुत बड़ा मुद्दा है। और महाविकास आघाड़ी ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बहुत बड़ा मोर्चा भी निकाला था बम्बई में। तो ये सब बहुत बड़े सवाल है, मगर हरियाणा के बाद और भी सावधानी रखनी होगी। ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं काम चल सकते। जैसे शरद भाई ने कहा कि सीटों का बंटवारा बहुत क्लियर कट होना चाहिए, तीनों पार्टी और दूसरी छोटी पार्टियां, और वोटों का विभाजन ना के बराबर हो, क्योंकि हरियाणा में रिबल कैंडिडेट के होते हुए बहुत ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने अपना खुद का सीट विकेट ही कर दी है। तो महाराष्ट्र में मैं मानता हूँ कि आज भी महाविकास आघाड़ी आगे है, मगर और भी बहुत काम करना बाकी है। नवंबर में चुनाव होंगे, दिवाली के बाद आई थिंक 15-20 नवंबर के बीच में चुनाव होने चाहिए महाराष्ट्र में, और ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि झारखंड का भी सवाल है। तो झारखंड महाराष्ट्र जीतना बहुत जरूरी है इंडिया ब्लॉक के लिए। शरद भाई, एक सवाल है कि आप महाआघाड़ी के बीच इस बीच को सीएम फेस को लेकर कोई कंफ्यूजन है या क्लियर है कि ये सीएम फेस रहेगा, इसके नाम पे हम वोट मांगेंगे, या फिर हरियाणा की तरह हो सकता है कि कंफ्यूजन रहे और पब्लिक जो है वो कंफ्यूज हो जाए? नहीं, यहाँ वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, इसके लिए महाविकास आघाड़ी ने सतर्क रहना चाहिए। छोटे छोटे विधानसभा में अगर 2,000-5,000 वोट लेने वाला कैंडिडेट खड़ा रो रह गया तो भी उनको सबको मुश्किल में डालने वाले हैं, क्योंकि तो यहाँ अगर उसमें अगर उन्होंने कुछ नहीं, तो तीसरी आघाड़ी की भी चर्चा यहाँ हम लोग सुन रहे हैं। तीसरी आघाड़ी, अगर तीसरी आघाड़ी ने भी कुछ 2,000-3,000-5,000 विधानसभा में 5,000 वोट बहुत होते हैं, हरियाणा में भी कम वोटों से बहुत से सीट गई है, तो ये नहीं, ये धोखा नहीं होना चाहिए, इसके लिए उनको सतर्क रहना चाहिए और ऐसे लोग नहीं खड़े होने चाहिए। क्योंकि अगर जो घर वापसी, मैंने पहले कहा कि अगर घर वापसी में जो बीजेपी में गए हैं उन लोगों को उन्होंने ले लिया, तो फिर लोग घर वापसी वाले के खिलाफ कोई भी खड़ा हो सकता है और वो 2-5 हजार वोट लेता है, ले सकता है। तो ये उन्होंने अगर सावधानी से काम करेंगे और सबको जो छोटे सीपीएम आए, सीपीआ है, जनता दल है, छोटे छोटे जो घटक पक्ष है उनको साथ में लेके चलना चाहिए। और इस महाराष्ट्र में एक दूसरी बात अच्छी है कि जो सिविल सोसाइटी के लोग है, संस्था प्रोग्रेसिव सेकुलर संस्था संगठना के लोग है, वो तो लोकसभा में भी महाविकास आघाड़ी के साथ थे और इस विधानसभा के लिए भी इनके साथ है। परसों ही शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे साहब ने एक सिविल सोसाइटी और सोशल संगठनों का एक बहुत बड़ा मीटिंग किया था शिवाजी मंदिर में, उसमें भी लोगों ने यही बात रखी है। उसके पहले राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवारगढ़ के लोगों ने एक सिविल सोसाइटी के लिए एक मीटिंग की थी, वो भी बड़ी हॉल में की थी। तो ये माहौल महाराष्ट्र में एक चालू है कि जो महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र की विधानसभा में सत्ता पे आए, इसके लिए ये सब वातावरण निर्मित चालू है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आगे भी हम लगातार महाराष्ट्र चुनाव का अपडेट सरते लेते रहेंगे, जो भी मुद्दे आएंगे चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले लगातार फिरोज भाई और शरद भाई से हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र से हैं, एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा। महाराष्ट्र की तमाम अपडेट्स के लिए हिंदू वॉइस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।